नमो भगवते वासुदेवाय नमो नारायणाय। महामंत्र जो भी जपे जन्म सफल हो जाए। नरसिंह वामन कृष्ण तू परशुराम तू ही राम। श्री हरि तेरे चरणों में शत शत कोटि प्रणाम। तेरी ज्योति से मिलता ज्ञान का परम प्रकाश। तेरे गुण गा कर तुलसी बन गए तुलसीदास। रूप चतुर भुज धारी प्रभु शंख चक्र लिए हाथ। नाथ अनाथों के तुम हो हे स्वामी जगन्नाथ। सिंधु सुता संग तेरी पूजा जो करे सुबह हो शाम। सकल मनोरथ सिद्ध हो जग में बड़ा हो नाम। बद्री नारायण स्वामी तेरी गूंजे जय जयकार। इस कलयुग में भक्तों का करते हो उद्धार। ऋषि मुनि तेरे गुण गाए वेद भी करे बखान। जिसके सर तेरा हाथ हो जाए धनवान। चरणों से निकली गंगा गई धरा पे आए। कितने पापी तर गए जल में डुबकी लगाए। तन मन को निर्मल करे पावन तेरा नाम। रोगी रोग से मुक्त हो पल में मिले आराम। व्रत बृहस्पति वार जो करते मन चित लाए। पूरी हो मनोकामना मन वांछित फल पाए। पत्थर भी नारी बनी चरण धूलि को पाए। शाप मुक्त हुई अहिल्या राम नाम गुण गाए। तेरे नाम के सुमिरन से सिद्ध होत सब काम। तीनों लोक में परमेश्वर सबसे बड़ा तेरा नाम। जग में सबसे सुंदर है पावन प्रभु का नाम। चाहे सीता राम कहो या बोलो राधे श्याम। सत्य नारायण रूप में करते अनधन की बरसात। सत्य नारायण पूजन से बन जाए बिगड़ी बात। जगत पिता है परमेश्वर जग के पालनहार। ऐसी कृपा करो हे स्वामी सुखी रहे संसार। सृष्टि के हर जीव में आपका ही है वास। आपकी छाया पा कर के आम भी होता खास। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम
जगत पिता हे जगदीश्वर, नमन करो सिर नाए, मुझको भी अपना लो स्वामी, जीवन सफल हो जाए। सूर्य के तेज में आप हैं, चांद की रोशनी आप, चलती हवाएं आप से, जल थल नभ में आप, क्षीर सागर में बैठ के जग को घुमाते आप ही पालनहार हैं, दुनिया चलाते आप। धर्म की रक्षा करने को लेते हैं अवतार, निज जन की रक्षा करते, दुष्टों को देते मार। आपकी लीला का प्रभु कोई न पाया पार, आपकी ही संतान है ये सारा संसार। किस विधि तुमको ध्याऊं मैं, मुझको नहीं है ज्ञान, बालक जान के हे प्रभु चरणों में दो स्थान। बस इतनी कृपा करना हे अनाथों के नाथ, मेरे सर पे हे भगवन रखना अपना हाथ। मेरा मन भी करता है सदा रहूं तेरे पास, मुझको भी मेरे स्वामी बना लो अपना दास। सिंधु सुता संग सागर में करते आप निवास, शेष नाग शैया बनके आपके रहते पास। पक्षी राज गरुड़ जी पे रहते आप सवार, जल थल नभ में हे प्रभु करते आप विहार। आपके दर पे आते हैं शारदा शेष महेश, सदा ही सेवा में रहते गौरी पुत्र गणेश। केला फल मिसरी मेवा तुलसी दल जो चढ़ाए, उसके बिगड़े काम बने प्रभु कृपा बरसाए। नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन् नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन् नारायण नारायण हरि हरि,
श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय सत्य नारायण नारायण हरि हरि 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 सत्य नारायण जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन 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 नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण हरि ओम
नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्यनारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, सत्यनारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। बोलिए श्री विष्णु भगवान जी की। वीरवार दिन विष्णु जी का हो, वीरवार दिन विष्णु जी का नारायण कहलाते, विष्णु जी की कथा सुनाते, पावन गाथा गाते, श्री हरि की कथा सुनाते, पावन गाथा गाते। जय जय नारायण हरि, बोलो नारायण हरि, भक्त जनों। इस सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु भगवान की पावन गाथा आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। पीतांबरधारी भगवान श्री हरि, जिनका चतुर्भुज रूप अत्यंत अनुपम और पावन है, अपने हाथों में भगवान शंख चक्र और गदा पद्म इत्यादि धारण करते हैं तथा भक्तों का सदा उद्धार करते हैं। तो ऐसे नारायण हरि की पावन कथा सुनने हेतु उनके चरणों का ध्यान लगाते हुए मेरे साथ बोलिए, बोलिए श्रीमन नारायण हरि हरि।
है सबके पालनहारे। ये कहते ऋषि महात्मा भगवान मेरे श्री विष्णु सर्वव्यापक हैं परमात्मा। विष्णु जी की शक्ति से संचालित है जग सारा, है माता लक्ष्मी संग में नित गूंजे जय जयकारा। श्री हरि जी सगुण है भक्तों, विष्णु हरि निर्गुण भी है। शंख और चक्र हाथ में गदा बिधारे कर भी, अति सोहे कीरीट कुंडल हर पीतांबर धारी। कौस्तुभ मणि को धारण करते वनमाला अति प्यारी। सुंदर कमल से नैना जिनके मन को बहुत लुभाते, हरि की कथा सुनाते भक्तों पावन गाथा गाते। जय जय नारायण हरि, बोलो नारायण हरि। भगवान श्री हरि विष्णु के भक्तों अनेक अनेक रूप हैं और अनेकों नाम हैं, परंतु जिस भी नाम को उच्चारिए परिणाम तो एक ही होता है। जगत के पालनहारे अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु एक आवाज पर दौड़े दौड़े चले आते हैं, तो आइए हम भी नारायण के नाम का उच्चारण करते हैं। है पद्म पुराण में वर्णन परमार्थ तत्व है विष्णु, वे ब्रह्मा शंकर के संग सृष्टि के कारण विष्णु। कोई कहता है नारायण, कोई वासुदेव पुकारे, कोई अच्युत कहे परमात्मा नित झुकता जाके द्वारे। कोई हिरण्य गर्भ है कहता, कोई शाश्वत कृष्णा, कोई शिव ईश्वर कहता महिमा का प्यारा वर्णन। है अनेकों नाम तो इनके रोम रोम में वासा, वो जीव है भाग्यशाली मन दर्शन का प्यासा। संपूर्ण जीवन के स्वामी दर्शन भी दे जाते, हरि की कथा सुनाते भक्तों पावन गाथा गाते। जय जय नारायण हरि, बोलो नारायण हरि। अपने भक्तों के कल्याण हित भगवान श्री हरि नारायण ने 10 अवतार धारण किए भक्तों, जिन्हें मत्स्य, कूर्म, वरह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और बुद्ध प्रमुख हैं। और अब इस घनघोर कलयुग में प्रभु कल्की का अवतार लेकर शीघ्र ही आने वाले हैं। सृष्टि का पालन करते और अंत में आप संहारे, विष्णु का नाम हरि है जब बिगड़े काज सवारे। ये वरा कूर्म और मत्स्य है ग्रीव और वामन, अवतार श्री विष्णु के श्री राम और श्री कृष्ण। जब कल्प का आरंभ होता श्री हरि यहाँ अकेले, था चहूं और तो जल ही जल लेटे थे हरि अलबेले। शेष नाग की शैया श्री हरि शीर सागर सोहे, ऋषि मुनि भक्तन के नित निर्मल मन को वो मोहे। हिरण्य गर्भ भी कहलाते हैं लीला खूब रचाते, पावन कथा सुनाते भक्तों हरि की गाथा गाते। जय जय नारायण हरि, बोलो नारायण हरि। भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत भक्त वत्सल और दयामय हैं भक्तों। जब एक गज ने
ग्राहक के फंद में फंसकर प्रभु को पुकारा तो उसे बचाने चले आए, तो क्या हम जैसे साधारण जीवों पर प्रभु दया नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे, बस नाम को सच्चे हृदय से उच्चारना होगा। जीवों पर करुणा दृष्टि श्री विष्णु जी ही करते, जो शरणागत हो जाता खुशियों से झोली भरते। कल्याण उसी का होता जो करते नाम का कीर्तन, है परम दयालु विष्णु चाहे करके देखो सुमिरन। जो महिमा को सुनता वो भव सागर पार उतरता, जो करता वंदन पूजन है उसका भाग सवरता। सब पाप और ताप मिटे भगवान के गुण अनंता, भक्तों के वत्सल विष्णु कहते हैं मुनि जन संता। सर्वोपरि गुण श्री हरि का खाली नहीं लौटाते, पावन कथा सुनाते भक्तों हरि की गाथा गाते। जय जय नारायण हरि, बोलो नारायण हरि। भगवान ने अलग अलग रूपों में अपने भक्तों की रक्षा की। बालक ध्रुव ने जब भगवान की गोदी में बैठना चाहा तो प्रभु ने उसकी ये इच्छा पूर्ण की। प्रहलाद को अपने पिता के आतंक से भगवान श्री हरि ने नरसिंह बनकर ही बचाया। ऐसे ही भक्त वत्सल भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु आते रहते हैं। है जिसकी भावना जैसी वो वैसा रूप दिखाते, फल आज किसी को मिलता मर्जी से फल दे जाते। मत गोदी में तुम चढ़ना जब मौसी ने ललकारा, की छोटी उम्र में भक्ति को ध्रुव को पार उतारा। लीला फिर खूब दिखाई भक्तों की लाज बचाई, प्रहलाद तो बच गया भक्तों जल गई होली कमाई। इस दुनिया से अनजाने अजामिल बने दीवाने, भव बंधन के फंदे काटे सारी दुनिया जाने। भीड़ पड़े जब जब भक्तों पे दौड़े दौड़े आते, हरिक कथा सुनाते भक्तों पावन गाथा गाते। जय जय नारायण हरि, बोलो नारायण हरि। जब भगवान कृष्ण का रूप भगवान श्री हरि ने धारण किया तो महाभारत के महानायक बने। कंस का अंत कर धरती को पापों से मुक्त किया। उधर जब पापी दुर्योधन और दुशासन ने द्रौपदी का चीर हरण करना चाहा तब प्रभु ने चीर बढ़ाकर उसकी रक्षा करी थी। भक्तों जब कौरव बने कसाई था अपना धर्म भुलाया, द्रौपदी के केश पकड़ के वो दुशासन था लाया। वहाँ पांडव भी थे बैठे ते छोटे बड़े ही सारे, मत ऐसा पाप करो रे चुप बैठे हुए थे सारे। आ हुकुम ये दुर्योधन का जिसे पूरा करना है, इस भरी सभा में इसका चीर हरण करना है। जब लगे थे चीर खींचने रोए द्रौपदी नारी, क्या कर ले फिर दुश्मन उसका बन रक्षक गिरधारी। कभी राम कभी कृष्णा बन के भगवन लाज बचाते,
हरि की कथा सुनाते, भक्तों पावन गाथा गाते। जय जय नारायण हरि, बोलो नारायण हरि। भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु इतने करुणामयी हैं कि भक्तों के पुकार पर कुछ भी बन जाते हैं। जब धन्ना जाट ने उन्हें भक्तिवश पुकारा तो उसकी झोपड़ी में शालिग्राम बन उसके साथ महाप्रभु ने वास किया, और गणिका परम भक्तिनी का भी उद्धार भगवान ने ही किया। ये भक्त जनों ने जाने थी गणिका अजब दीवानी, वो निज चरणों में ले ली जब नाम की महिमा बखानी। भक्तों के दुख हरने में विलंब यदि हो जाता, हरि भूल मानते अपनी, ऐसा है प्रेम का नाता। खुद ही क्षमा याचना करते आन में हो गई देरी, भक्तों की खता नहीं हरि कहते खता है मेरी। अवतारों की कथा सुनो इन सब में लिखा पाया, भक्तन के मारे मरते श्री विष्णु की है माया। जीवों का कल्याण करने में ना कभी देर लगाते, हरि की कथा सुनाते भक्तों पावन गाथा गाते। बोलो नारायण हरि, जय जय नारायण हरि। भक्तजनों, नारायण हरि के चतुर्भुज रूप का दर्शन करने स्वयं भगवान ब्रह्मा और शिव शंकर भी आते हैं। बीच समुद्र में शेष की शैया पर अधलेटी मुद्रा में भगवान लेटे हैं और माँ कमला चरण दबा रही हैं। ऐसा नयनाभिराम दृश्य कहाँ देखने को मिलता है भक्तों। मेरे विष्णु जी भगवान की है महिमा अजब निराली, ये तीन लोक गुलशन है, श्री विष्णु जी है माली। रखते हैं ध्यान सभी का, रखते सम्मान सभी का, भक्तन की चिंता रहती बस इतना काम हरि का। लवण समुद्र के मध्य में भक्तों विष्णु लोक अति प्यारा है, जिनकी दिव्य दृष्टि देखे अजब नजारा। वहाँ वो चार मास तक रहते संग हो लक्ष्मी वासा, जो साचे हैं भक्त हरि के कभी न आए निराशा। ब्रह्मा शंकर अपने अपने लोक से दर्शन पाते, हरि की कथा सुनाते भक्तों पावन गाथा गाते। जय जय नारायण हरि, बोलो नारायण हरि। ब्रह्म ऋषि नारद की वीणा भी नारायण नारायण ध्वनि का गुंजान करती है भक्तों, और भक्त वत्सल भगवान सभी को दर्शन देकर उन्हें कृतार्थ करते हैं। क्या देवी क्या देवता वैकुंठ लोक में आकर श्री हरि के नाम का उच्चारण करते हैं तथा उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं भक्तों। ओम नमो हरि नारायण, ये मंत्र जो भी जपता वो भक्त मेरे विष्णु को है बहुत ही प्यारा लगता। श्री विष्णु जी की प्रसन्नता इस मंत्र से हो जाती, जो सिद्ध चाहिए जिसको वो पल भर में मिल जाती।
वैकुंठ में ये वास करें और देवता उनको घेरे। संपूर्ण वेदों के रहते जहाँ पे नित्य ही डेरे, धर्म ज्ञान ऐश्वर्य वहाँ रहता सदा वैराग्य। जो हरि के दर्शन करता खुल जाता है भाग्य। परम दयालु श्री हरि हैं शास्त्र यही बताते, हरि की कथा सुनाते भक्तों पावन गाता गाते। जय जय नारायण हरि, बोलो नारायण हरि। श्री हरि भगवान विष्णु की लीलाएं भी अजब निराली हैं भक्तों। 10 अवतारों के अतिरिक्त उनके मोहिनी अवतार ने जहां एक ओर शिव जी के प्राण बचाए, वहीं दूसरी ओर देवताओं को अमृत पान भी करवाया। तो बोलिए मोहिनी अवतार की। जो विष्णु जी का सिंहासन वहाँ अष्ट दल कमल है, रहे सूर्य चंद्र और अग्नि सब पावन और निर्मल है। देवों के स्वामी विष्णु बड़े परम दयालु भगवन, रामा के संग में रहते ये वेद करे हैं वर्णन। कोई जपे वासुदेवाय कोई नमो नमो गाए, श्री विष्णु जिसका भी चाहे पल में काज बनाए। ब्रह्मा जी की लाज बचाते शिव की लाज बचाते, कोई दिव्य पुरुष ही जाने जो लीला हरि रचाते। भक्तों की नैया बीच भंवर में हरि ही पार लगाते, पावन कथा सुनाते भक्तों हरि की गाथा गाते। जय जय नारायण हरि, बोलो नारायण हरि। तो यह बात सिद्ध हुई भक्तों, श्री नारायण हरि को चाहे जिस रूप में पुकारो, चाहे विष्णु नारायण कहो, चाहे स्वामी नारायण, चाहे बद्री नारायण, चाहे नमो नारायण, प्रभु अपने भक्तों की पुकार सुनकर दौड़े दौड़े आते हैं और उनके दुखड़ों का विनाश करते हैं। देवी देवता भगवान श्री हरि के नाम का गुणगान कर रहे हैं। संत मुनि ऋषिजन श्री हरि के नाम का यज्ञ हवन कर उनकी कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए आप भी श्री हरि की कृपा को प्राप्त कीजिए। बोलिए मेरे साथ, बोलिए श्री हरि भगवान विष्णु नारायण की। जप नाम कमल सिंह नित्य, गुरु कर्ण सिंह का कहना, श्री विष्णु की भक्ति बिन यहाँ खाली कभी ना रहना। चाहे भजो राम की माला चाहे मोहन मुरली वाले, अवतार मेरे विष्णु के कर देंगे खेल निराले। निस दिन पाठ और आरती करता वो विष्णु को प्यारा, इस कलयुग में जान लो भक्तों विष्णु नाम सहारा। ये थोड़ी सी जिंदगानी माटी में मिल जाए, श्री विष्णु की कृपा से वो परम पद भी पाए। नारद जी भी इसीलिए नारायण नाम को गाते, हरि की कथा सुनाते भक्तों पावन गाथा गाते। जय जय नारायण हरि, बोलो नारायण हरि।
विष्णु जी
श्री हरि विष्णु जी। संस्कार श्री हरि विष्णु जी। सफल हो जाए ऐसी महिमा
जय विष्णु भगवान की। जय विष्णु भगवान की जय। जय विष्णु भगवान की। सबके संकट दूर करे ओम जय जगदीश हरे। सबके संकट दूर करे ओम जय जगदीश हरे। जब बढ़ा अत्याचार कंस का कृष्ण रूप में प्रभु आए। कंस कुमार के कृष्ण जी सबको प्रेम की भाषा सिखलाए। जब बढ़ा अत्याचार कंस का कृष्ण रूप में प्रभु आए। कंस कुमार के कृष्ण जी सबको प्रेम की भाषा सिखलाए। काल ने महाभारत करवाया कृष्ण ने धर्म ध्वजा लहराया। हैं सब लोग ये बातें सारी वेद पुराण की। जानते हैं सब लोग ये बातें सारी वेद पुराण की। जय विष्णु भगवान की। जय। जय विष्णु भगवान की। जय विष्णु भगवान की। जय। जय विष्णु भगवान की। सबके संकट दूर करे ओम जय जगदीश हरे। सबके संकट। राक्षस राज रावण को मार के संतों का उद्धार किए। धरती का संताप मिटाने राम जी का अवतार लिए। राक्षस राज रावण को मार के संतों का उद्धार किए। राम प्रभु मर्यादा सिखलाए सबके दिल में राम समाए। निभाने को श्री राम जी बाजी लगाए जान की। वचन निभाने को श्री राम जी बाजी लगाए जान की। जय विष्णु भगवान की। जय। जय विष्णु भगवान की। जय विष्णु भगवान की। जय। जय विष्णु भगवान की। सबके संकट दूर करे ओम जय जगदीश हरे। सबके संकट। भक्त की जान बचाने को। भक्तों के प्रतिपालक है प्रभु दिखा दिए ये जमाने को। नरसिंह रूप किए धारण प्रभु भक्त की जान बचाने को। भक्तों के प्रतिपालक है प्रभु दिखा दिए ये जमाने को। प्रभु जी हिरण्यकश्यप को मारे परम भक्त प्रह्लाद को मारे। निराली मेरे प्रभु के आन बान और शान की। बात निराली मेरे प्रभु के आन बान और शान की। जय विष्णु भगवान की। जय। जय विष्णु भगवान की। जय विष्णु भगवान की। जय। जय विष्णु भगवान की। सबके संकट दूर करे ओम जय जगदीश हरे। भगवते वासुदेवाय। अपने भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय
जगदीश हरे। पालनकर्ता भगवान विष्णु जो इस सृष्टि के पालन करता है, अपने भक्तों की सदा पुकार सुनते हैं, सदैव उनके सारे बिगड़े काम बनाते हैं, और संकट के क्षण में जब भी कोई भक्त भक्त परायण विष्णु भगवान को पुकारता है तो एक क्षण मात्र का विलंब किए बिना भी दौड़े चलकर आते हैं और अपने भक्त को संकट से उबारते हैं। तो आइए भक्तजनों, गज और ग्राह की इस पावन कथा को सुनते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि कैसे भक्त ने एक बार पुकारा और भगवान दौड़े चले आए। करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, जब भक्तों पे संकट आया, जब भक्तों पे संकट आया, दूर किए भगवान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान। एक गजराज था सुंदर, वो रहता पर्वत ऊपर, प्रेम करते थे जिससे सभी जंगल के जानवर, झुंड के बीच में चलता, मस्ती में झूमता रहता, विष्णु का परम भक्त वो सदा नारायण कहता, जंगल के सारे जीवों का, जंगल के सारे जीवों का करता था सम्मान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान। भोला भाला गजराज भगवान विष्णु का परम भक्त था, दिन में खेलता खाता मस्त रहता, और सुबह शाम आठों याम भगवान विष्णु को याद करता रहता था। भगवान विष्णु को वो अपने पिता के समान मानता था। एक दिन वो भोला भाला गजराज अपने दोस्तों के साथ एक सुंदर से सरोवर के नजदीक जा पहुंचा और सभी साथियों के साथ उस सरोवर में उतरकर पानी पानी खेलने लगा। वो सब अपनी सूंड में पानी भरते और एक दूसरे पर फेंक कर बड़े मजे से खेल रहे थे। झुंड के सारे हाथी एक दूजे के साथी खेल रहे पानी पानी, शाम थी बड़ी सुहानी, सूंड में पानी लेके
मोजे पे फेंके, ग्राह ने गज के पांव को घसीटा मुंह में लेके। गज का पांव जब ग्राह ने पकड़ा, गज का पांव जब ग्राह ने पकड़ा, हुए सभी परेशान। करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, सुंदर गंधर्व जो देवल ऋषि के शाप से तालाब में मगरमच्छ बन गया था। वो मगरमच्छ गजराज का पैर पकड़ लेता है और पैर पकड़कर गहरे पानी में खींचने लगता है, जिसे देखकर हाथियों का झुंड परेशान हो जाता है। मगर चूंकि पानी बहुत गहरा होता है, इस वजह से चाह कर भी कोई ग्राह की मदद नहीं कर पाता है। ग्राह और गज के बीच घमासान लड़ाई होती है, मगर ग्राह गज का पैर छोड़ने का नाम नहीं ले रहा होता है। वो बलपूर्वक गज को पानी के अंदर खींचता है और गज का आत्मविश्वास और बल धीरे धीरे जब जवाब देने लगता है तो वो हरि को पुकारता है। ग्राह ने जोर लगाया, पांव में दांत गड़ाया, हाथी के बहते लहू को वो पीकर प्यास बुझाया। हाथी के बहते लहू को वो पीकर प्यास बुझाया। ग्राह और गज के बीच में युद्ध हुआ बड़ा भयंकर, पी के गजराज के खून को ग्राह बन गया ताकतवर। श्री हरि को तब गज ने पुकारा, श्री हरि को तब गज ने पुकारा, संकट में थे प्राण। करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान। ग्राह और गज के बीच बहुत ही भीषण लड़ाई होती है। ये लड़ाई 6 महीनों तक चलती है। ग्राह दिनों दिन गज का खून पीकर ताकतवर होता जाता है और खून बहने से गजराज कमजोर होता जाता है। अंत में गजराज को जब ऐसा महसूस होने लगा कि वो इस युद्ध को नहीं जीत पाएगा और वो मारा ही जाएगा, तो वो भक्त वत्सल भगवान विष्णु को करुणा भाव से पुकारता है। और आगे क्या होता है? प्राण संकट में पाकर गज ने विष्णु को पुकारा, विष्णु जी दौड़े आए, चक्र से ग्राह को मारा। ग्राह गंधर्व बन गया, हरि की शरण में आया, हरि को पिछले जन्म की वो सारी बात बताया। हरि को पिछले जन्म की वो सारी बात
दोनों को वैकुंठ मिले, दोनों को वैकुंठ मिले। विष्णु ने दिया वरदान, करूं मैं विष्णु का गुणगान, करूं मैं विष्णु का गुणगान। भक्त वत्सल भगवान भक्त के मन की बात जानते हैं, और भला भक्त जब संकट में हो और भगवान को पुकारे तो भगवान कैसे नहीं आते। और इस कथा के लेखक पंडित संजय तिवारी कहते हैं कि अपने भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाय, कीरति कुछ वर्णन करो, दीजे ज्ञान बताए। विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, तनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख पुजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बनी तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। वाराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्मतस्य तन सिंधु बनाया, चौदह रत्नन को निकलाया, अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धरि सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया, वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बन कर खल ही नचाया, उसही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी।
देखत तीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म शतिमानी, हना असुर उर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणा कुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु तारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जन हारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे, चहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन, जानु नहीं योग्य जप पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहूं आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहूं प्रणाम कौन विधि सुमिरण, कौन भाति मैं करहूं समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाए, हर्षित रहत परम गति पाए। दुखिन पर सदा सहाय, जिन जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। हम पालन करता विष्णु जी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, एक सच्ची घटना आज आप सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। श्री विष्णु जी के श्री चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, एक सच्ची घटना आज आप सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय विष्णु भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम, जय जय विष्णु भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। एक समय की बात है, चक्र को हो गया अहंकार, मन ही मन में अपने आप पे करने लगा विचार, मैं ही हर पल करता हूँ श्री विष्णु की रखवाली, मेरे जैसा कोई नहीं इस दुनिया में बलशाली, जीत सुनिश्चित कर देता जब रण में जाता हूँ, विजय का डंका बजा के ही फिर वापस आता हूँ, कोई ऐसा शीश नहीं जिसको मैं काट न पाऊँ, शस्त्र सुशोभित शस्त्रों में सबसे सुंदर कहलाऊं। नारायणी सेना जब हारे तब हम जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, एक सच्ची घटना आज आप सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। से बोला मेरा कोई नहीं है जोड़, ऐसा कोई शस्त्र नहीं जो बना हो मेरा तोड़, चक्र की बातें सुन गरुड़ को भी हो गया अभिमान, बोले विष्णु का वाहन हूँ वेग है पवन समान, तीनों लोक का विचरण करके क्षण में आ जाऊं, जहां भी चाहूं पलक झपकते वहां पे मैं जाऊं, अंतर्यामी विष्णु दोनों की बात समझ जाते हैं, अहंकारियों की बातें सुन मन में मुस्काते हैं,
अहंकारियों के सिर को प्रभु कैसे झुकाते हैं, हम आगे बतलाते हैं। एक सच्ची घटना आज आप सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बोले विष्णु जी तुम सुन लो मेरी बात, मैं जा रहा हूँ सोने, अब होने वाली है रात। किसी को दरवाजे के अंदर मत आने देना, जो भी अंदर आए उसके प्राण तू हर लेना। बोले गरुड़ से बात को मेरी सुनो लगा कर ध्यान, गंगा के तट पर रहता है भक्त मेरा हनुमान। यथा शीघ्र उसे गंगा के तट से जाकर तुम लाओ, बुला रहे हैं विष्णु जी जाकर ये बात बताओ। सुन आदेश गरुड़ जी हवा के वेग से जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक सच्ची घटना आज आप सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जी के तट पे गरुड़ एक बंदर को पाए, पास में बूढ़े बंदर के गरुड़ जी है आए। बोले गरुड़ उस बंदर से तुम सुन लो मेरी बात, तुमको प्रभु बुलाए हैं, होने वाली है रात। मेरे ऊपर करो सवारी, पल में पहुंचा दूंगा, इससे पहले के प्रभु सोए तुम्हें जाके मिलवा दूंगा। बोले गरुड़ से हनुमान तुम जाओ मैं आऊंगा, संध्या वंदन बिना किए तेरे संग नहीं जाऊंगा। लेके विदा बजरंगी से गरुड़ उड़ जाते हैं, मन ही मन मुस्काते हैं। एक सच्ची घटना आज आप सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय विष्णु भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। जय जय विष्णु भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। पवन तनय विग पवन समाना चले वीर हनुमान, दरवाजे पे दे रहा पहरा चक्र बना दरवान। दरवाजे पे चक्र से बोले मेरा नाम हनुमान, प्रभु से मिलने जाना है रास्ता छोड़ो श्रीमान। अंदर जाना मना है बोला चक्र न जाने दूंगा, बलपूर्वक कोशिश जो करे तो प्राण तेरे हर लूंगा। ध्यान से मेरी बात सुनो बंदर वापस जाओ, रुकना भी है मना यहाँ पे तनिक न देर लगाओ। चक्र की बातें सुन के बजरंगी मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक सच्ची घटना आज आप सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बजरंगी को रोका कपि गुस्से में आए, चक्र को पकड़ के हाथों से दांतों के तले दबाए। दांतों के बीच में चक्र फंस गया, दर्द से राह चिल्लाए। कोशिश लाख किया वो फिर भी कैद से छूट न पाए। दबा के चक्र को बजरंगी जा पहुंचे प्रभु के पास, विष्णु बोले आओगे बजरंगी था विश्वास। चरण कमल में विष्णु के बजरंगी शीश झुकाए, बोले क्या है कार्य प्रभु आदेश दिया जाए। वायु वेग से गरुड़ प्रभु के पास में जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं।
ठीक सच्ची घटना आज आप सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय जय विष्णु भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। जय जय विष्णु भगवान, तुम्हें बारंबार प्रणाम। पीछे चले हनुमत मुझसे, आगे तुम कैसे आए। सोच के बातें मन ही मन, गरुड़ जी थे घबराए। विष्णु बोले बजरंगी से, चक्र को तुम छोड़ो। दांतों तले दबा के अपने चक्र को मत तोड़ो। अहंकार नहीं रहने देता निज भक्तों के पास। अहंकार के अहंकार का करता हूँ मैं नाश। चक्र के बल का, गरुड़ के वेग का विष्णु तोड़े घमंड। हरते भक्त का पाप प्रभु दे कर थोड़ा सा दंड। श्री विष्णु के चरणों में संजय शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। एक सच्ची घटना आज आप सबको बतलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भगवती वासुदेवाय, द्वादश मंत्र जो कहलाए। मन से मंत्र का जाप जो करते, उनके सारे काम संवरते। जब जब बढ़ा पाप का भार, तब तब हरि लिए अवतार। निज भक्तों के कष्ट को हरते, सत्य धर्म की रक्षा करते। दिल से जो हरि नाम को ध्याए, वो हरि के हरि उनके हो जाए। डूबती नैया पार लगाए, सदा भक्त पे रहते सहाय। हरि नाम का सुमिरन करते, पापी भी भव पार उतरते। सबसे प्यारा पावन नाम, सफल करे भक्तों का काम। निर्बल को श्री हरि अपनाते, दुष्ट जनों को मार गिराते। भक्त वत्सल कृपा निदान, ये हैं सब देवों में महान। शंख चक्र गदा लिए हाथ, श्री हरि हैं नाथों के नाथ। सारे देवता शीश झुकाते, नारायण नारायण गाते। शेष नाग को सैया बनाए, श्री लक्ष्मी जी पाँव दबाए। फिर सागर नित पाँव को धोता, हरि भजे वो हरि का होता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। हरि का सब हरि कीर्तन करते, भव सागर से पार उतरते। जिसने भी हरि नाम को गाया, उसने श्री विष्णु को पाया। श्री हरि जी की कृपा पा, वो है जग के पालनहार। तुलसी दल हरि के मन भाए, जो तुलसी का भोग लगाए। श्री हरि उन पे खुश हो जाते, अपनी कृपा उन पे बरसाते। विष्णु नाम सबसे बड़ा, वेद पुराण बताए। जो इनका सुमिरन करे, जीवन धन्य हो जाए। मधुर मनोहर अति मन भावन, नाम प्रभु का सबसे पावन। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि भजे सो हरि का होई। है ग्रीव ने पृथ्वी को उठाया, अपने संग पाताल मिलाया। लिए प्रभु वाराह अवतार, है ग्रीव का किए संहार।
मधुकैटभ उत्पात मचाया, ब्रह्मा जी को बंदी बनाया, तब श्री हरि ने रच के माया, मधुकैटभ को मार गिराया, ब्रह्मा जी को मुक्त कराए, प्रजापति के प्राण बचाए, सारे देव कर जय जयकार, हरि की महिमा अपरंपार। जन्म मरण का संशय गयऊं, नाम जपत शिव अमर हो गयऊं, हरि नाम की महिमा भारी, जपते जिनको सब नर नारी, न्याय प्रिय विष्णु भगवान, संकट मोचन कृपा निधान, सिंधु सुता संग सिंधु में रहते, तीनों लोकों में विचरण करते, प्रिय करुण है इनकी सवारी, जिनकी शोभा सबसे न्यारी, उड़ते रहते हैं ये नभ में, श्री हरि का अंश है सब में। हिरण्यकश्यप था समरथ पापी, जिसके डर से धरती कांपी, त्राही त्राही मची चारों ओर, चलने न पाए किसी का जोर। भक्त प्रहलाद को बहुत सताया, पर्वत से नीचे था गिराया, तनिक न प्रभु जी देर लगाए, आके भक्त की जान बचाए, फिर भी पापी नहीं थमाना, अपने को भगवान था जाना, किसी का कहना कभी न माने, असुर को सारी दुनिया जाने, श्री विष्णु भगवान है जग के पालनहार, इनकी भक्ति भक्तों का सपना करे साकार, अपने नाम की रट लगवाता, मैं ही प्रभु हूँ सबको बताता, जो ना रटता उसका नाम, कर देता था काम तमाम, भक्त को खंभे से बंधवाया, पापी ने तलवार उठाया, बोला कहाँ तेरा भगवान, प्रकट हुए तब कृपा निधान, बोले कण कण मेरा वास, रहता सदा भक्तों के पास, जो भी भक्त का हित करेगा, निश्चित मेरे हाथों मरेगा, मेरे सिवा कोई कहीं न दूजा, जिसने मुझे जिस रूप में पूजा, उसने मुझे उस रूप में पाया, प्रभु ने दुष्ट असुर को बताया, कभी नहीं मैं किसी से डरता, सबकी इच्छा पूरी करता, तू भी ना बचने पाएगा, मेरे हाथों मारा जाएगा। हिरण्यकश्यप को प्रभु उठाए, अपनी जंघा उसे लिटाए, लेके नरसिंह का अवतार, हिरण्यकश्यप का किए संहार, रावण जब उत्पात मचाया, सारे देवताओं को हराया, ग्रह नक्षत्र को बंदी बनाया, सामने कोई टिकने ना पाया, साधु संत को लगा सताने, किसी का कहना असुर न माने, करने लगा असुर शैतानी, होने लगी धर्म की हानि, साधु संतों ने किया पुकार, लिए प्रभु रामा अवतार, धर्म की रक्षा करने आए, देख सभी के मन हर्षाए, राम रूप में विष्णु आए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहाए, जिनसे बड़ा है जिनका नाम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, अभिमानी अधम असुर करते अत्याचार, श्री विष्णु अवतार ले करते हैं संहार, रण में प्रभु रावण को मारे, संतों को संकट से उबारे, धरती का संताप मिटाए, धर्म का झंडा लहराए,
तुलसी माँ जब ध्यान लगाई पति रूप में हरि को पाई। तुलसी बिन रहे भोग अधूरा तुलसी का सपना हुआ पूरा। श्री हरि सोलह कलावतारी ब्रज में बन के आए मुरारी। बंदी गृह में लिए अवतार सो गए सारे पहरेदार। बंदी गृह का टूटा ताला वासुदेव ने उन्हें संभाला। टोकरी में तब प्रभु को उठाए यमुना जी के तट ले आए। यमुना जी ने जल को बढ़ाया हरि ने पांव नीचे लटकाया। पावन चरण को यमुना चूमी मगन हो के मस्ती में झूमी। वासुदेव के सिर पे सवार किए कृष्ण यमुना को पार। नर नारी कोई जान न पाया हरि ही जाने हरि की माया। कृष्ण कंस को मार गिराए धरती का संताप मिटाए। देकर के गीता का ज्ञान सारे जग का किए कल्याण। विष्णु को जो मन से ध्याए अंत में परम गति को पाए। भक्तों को प्रभु राह दिखाते भव से नैया पार लगाते। श्रद्धा से हरि नाम को गाओ मानव जीवन सफल बनाओ। हरि का कीर्तन घर में कराओ जो मन चाहे वो फल पाओ। हरि की चरण धूलि जो पाए तो कंकड़ हीरा हो जाए। विष्णु जी का नाम है प्यारा रवि संजय को दिए सहारा। नैया जो डगमग डोले हंसे बीत मझधार। लक्ष्मीपति विष्णु करे भवसागर से पार।